हेलो गैज, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। ममता की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो गैज, ये हनुमान जयंती वाले दिन का सीन है। जिस दिन मेला निकलता है ना हनुमान जी का जयंती, तो ये देखो ये कैसे राक्षस बना हुआ था। ये सब लोगों को डरा रहा था और मेरे को तो खास तौर से मेरे मुंह पे आ गया था। ये पूरा ऐसे हाथ करने लग गया था। मुझे डर तो नहीं लगा था, बट जो बच्चे थे ना, बच्चे डर गए थे बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे वो बेचने वाली थी चमेटा, और वो बोल रही थी ये ले लो वो ले लो। ये सब अलग अलग प्रकार से बनती हैं, कॉमेडियन टाइप में सब दिखाते हैं। ये है, पता नहीं क्या बना हुआ था, पागल जैसे था, जंजीर डाले था, पता नहीं क्या बना हुआ था ये। तो गैस बताइए, कहाँ कहाँ हनुमान जयंती में किस एंगल से जयंती निकाली जाती है बालाजी की, हनुमान जयंती। तो गैस हमारे यहाँ तो इस प्रकार से जयंती निकाली जाती है बालाजी की, बहुत अच्छी तरीके से निकालते हैं। और गैस ये देखो डांस कर रही हैं, मतलब डांसर भी आते हैं, चार पांच डांस भी करते हैं अपने अपने उससे। यहाँ पर अपने डांस में बिजी थी, एंजॉय कर रही थी। ये दो बने हुए थे, एक आदमी लुगाई टाइप में बने हुए थे, राजस्थानी कॉमेडी टाइप में कोई डांस कर रही थी। सॉन्ग तो लगा नहीं सकती हूँ, नहीं मैं सॉन्ग लगा देती। देखो कितना बॉडी किस एंगल से हिला रही है ये, वाह शाह वाह, मजा आ गया था इनका डांस देख के, बहुत अच्छा लगा था। और आप भी एंजॉय करिए। जो भी मेरे ब्लॉग में न्यू है तो प्लीज़ वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। और देखो ये मतलब वो लिए थी, क्या बोलते हैं, साइकिल का आता है ना अंदर का टायर निकाल देते हैं वो पहिया, वो लिए थी। और देखो ये हाथ से मतलब कहीं भी मुंह पे ले लेगी, यानी कितनी तेज रफ्तार में था ये। और ये मुंह पे ली हुई थी, मुंह से लेके डांस कर रही थी, क्या इनकी प्रैक्टिस थी, ऊपर वाला जाने। लेकिन बट इनका डांस बहुत शानदार, ये पहिया रुकने नहीं दे रही थी, पहिया ऑटोमेटिक घूम रहा था, मतलब इतना अच्छा एक्टिंग। देखो ऐसे ऐसे करके अब ये कहीं भी सर पे रख लेगी, देखना इसको सर पे रख लिया है और ये सर पे रख के डांस कर रही है, बट ये पहिया गिर नहीं रहा है और ये पहिया पूरा अच्छी तरीके से घूम रहा था, क्या टैलेंट था इनके। क्या होता है कोई कोई के ऊपर टैलेंट, सबका अपना अपना टैलेंट होता है, ये इनका टैलेंट था तो ये दिखा रही थी। इनके प्रैक्टिस इस चीज़ में करी होगी पहले से, यानी कि ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस थी इनकी, बहुत अच्छा टैलेंट था, मज़ा आ गया था देख के। और आप भी देखिए, एंजॉय करिए। यहाँ पर जो मतलब बनाते हैं बच्चों को, देवता बनाते हैं अलग अलग, राम लक्ष्मण सीता हैं शायद गए जी ये। नहीं, गणेश जी हैं और पता नहीं पार्वती और ये लक्ष्मी माता है मेरे ख्याल से, इनको कुछ बनाया हुआ था गए। जिसके बाद में ये दूसर भी ट्रैक्टर में है, रैली निकालते हैं, हनुमान जयंती निकालते हैं। तो कई सारे मतलब प्रकार से निकालते हैं, सब जगह का अपना अपना वो है। गए जी ये हमारे यहाँ का है, हमारे यहाँ इसका तो ऐसे ही निकालते हैं। ये आ गए हैं देखो भोले बाबा और पार्वती मैया, यहाँ पर भोले बाबा और पार्वती बनी हुई हैं। ये बच्चे सारे एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे थे सारे बच्चे। और गए जी ये सब रैली में जो साथ में थे ना हनुमान जयंती की, ये सब वही लोग थे। और इसके बाद में एक डीजे और था, यहाँ पर ये आ गया है हमारा डीजे। तो डीजे के पीछे भी बहुत सारे आदमी बच्चे बहुत सारे थे, पूरे गांव के एक साथ ही मिलके रैली निकालते हैं, पूरा मार्केट ही भी बंद कर देते हैं, हर दुकान बंद हो जाती है। ये 7 बजे के आसपास निकालते हैं, 6:30 के बाद निकालते हैं। यहाँ पर ये सब बच्चे डांस कर रहे हैं, डीजे में मटक रहे हैं, देखो सा छोटे छोटे बच्चों को इंजॉय करते हुए। और गए जी ये जो जा रहे हैं हाथ जोड़ रहे थे ना, ये हमारे गांव के सरपंच साहब हैं, और ये सरपंच है हमारे गांव के,
राठौर है यानी कि राजपूतों में है, वो भी मतलब पैदल चल रहे थे पूरे गांव में, जब रैली निकली थी तो पैदल चल रहे थे। और ये हमारे पमन भैया हैं जो ये साफा बांधे हैं, गोरे गोरे दाढ़ी वाले दिख रहे हैं, इनकी दुकान है, ये भी ट्रैक्टर पे बैठे हुए थे, भगुआ पहने गए सब लोग, साफा बांधे हुए थे। ये देखो ये इनको सब लोग बोल रहे थे डांस करो डांस, बैठो मत कैसे सजे हुए थे इन्होंने, बट डांस नहीं किया था, बोले डीजे बहुत आगे चला गया, हम कहे में डांस करें इसलिए। फिर इसके बाद में एक और जो बनाए हुए थे यहाँ पे, ओनली फॉर हनुमान जी महाराज थे, ये हमारे ड्राइवर हैं जो ट्रैक्टर चला रहे थे ना, ये बोले थे हमारी वीडियो अच्छी सी आनी चाहिए। मैं कहा ठीक है बिल्कुल आएगी आपकी वीडियो, ये हमारी गाड़ी चलाते हैं। तो कल जिस दिन हनुमान जयंती थी ना, उस दिन इन्होंने छुट्टी ले लिया था, बोले आज नहीं आऊँगा, मेरी मतलब ट्रैक्टर जाता है हनुमान जयंती में इसलिए नहीं आऊँगा। हमने बोला था ठीक है मत आना। और ये सारे गांव के लोग हैं, और फिर गांव के लोग गाते हैं एंजॉय करते हैं हनुमान जयंती बालाजी को। बताइए कौन कौन सबसे ज़्यादा बालाजी को मानता है? मैं तो बहुत मानती हूँ बालाजी को, दिल से मानती हूँ, मेरे बालाजी ही हैं, बहुत सुनते हैं मेरे बालाजी, मेरे जो मनोकामना होती है मैं अंदर आत्मा से बोलती हूँ उनके पास में जाके, मेरे बालाजी बहुत सुनते हैं, मैं तो अपने बालाजी को बहुत मानती हूँ। और कहते यहाँ पे राम लक्ष्मण सीता और ये हनुमान जी महाराज बने हुए थे दोल, सब अलग अलग झांकी निकालते हैं गैज इसलिए। और पुलिस भी थी साथ में, ऐसा नहीं कि पुलिस नहीं थी, दो पुलिस भी थी। ये राधा कृष्ण बने हुए हैं यहाँ पर, राधा एंड कृष्ण जी ये बने हुए हैं, है नहीं भगवान। और फिर इसके बाद में एक और डीजे आया, दो दो डीजे थे, और यहाँ पे भी बहुत एंजॉय करना, यहाँ पे तो सबसे सुपर डांस हुआ था, बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छा डांस हुआ था यहाँ पे। यहाँ पे तीन चार वो थे नाचने वाले, तीन चार थे, और दादाजी हमारे बहुत ज़्यादा नाच रहे थे, बुढ़े थे जो बहुत नाच रहे थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे उन लोगों के साथ में। देखो गए जी ये रहे इनका डांस, देखो और इंजॉय करो कितना ठुमका लगा रही थी ये, बहुत अच्छी तरीके से ये ठुमका लगा रही थी, देखो 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 वाह सा वाह। देखो दादाजी बोल रहे थे मेरे साथ में डांस कर उसको बेचारी को परेशान कर रहे थे ये दादाजी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, बोल रहे थे मेरे साथ में डांस कर, वो बोल रही थी कर रहे हैं, देखो देखो ये दादाजी कैसे डांस कर रहे हैं, मेरे को तो बहुत हंसी आ रही थी उस टाइम पे। और सबसे ज़्यादा वही ज़्यादा अच्छा डांस कर रही थी, ऐसे तो कर सभी रहे थे लेकिन उनके ज़्यादा अच्छे कुछ वो थी डांस में। वाह अच्छा वाह, दादाजी से ही गाँ गाँ के बात कर करके यानी कि डांस कर रही थी मारवाड़ी सॉन्ग में, राजस्थानी सॉन्ग में। और एंजॉय करिए आप भी मेरे ब्लॉग को, और कंटिन्यू रहिए मेरे ब्लॉग वीडियो पे। और आपको कैसा लगा ये डांस, ये राजस्थानी हनुमान जयंती हमारे यहाँ की, इसको भी बताइए कैसा लगा। वाह देखो लहंगा उठा उठा के डांस कर रही है, मज़ा आ गया था इनका डांस देख के, बट कुछ भी कहो बहुत अच्छा डांस था इनका, सभी लोग बहुत हंस रहे थे। दादाजी के तो अलग ही लगी थी, देखो देखो यहाँ। फिर उसके बाद में एक घोड़ी आई थी, चार घोड़ियाँ थी, चारों घोड़ी आई थी, इनमें कोई बैठा हुआ नहीं था, इनसे भी डांस कराते हैं। तो इस बार डांसर कुछ ज़्यादा ही बुकिंग कर लिया था मेरे ख्याल से, खाटू श्याम बाबा के मेला में इतना डांसर बुकिंग नहीं था। और तो देखो ये घोड़ा भी थे, इनको भी सजाया था बहुत अच्छी तरीके से, ये मुझे सबसे अच्छा घोड़ा लगा था, ये एकदम तंदुरुस्त था, हेल्थी था।
बालाजी के दर्शन कर लिया होगा, और मैंने भी तो कर लिया था दर्शन, और उनको आरती दिया था, वहाँ से प्रसाद लिया था। गैस हमने अच्छे से दर्शन कर लिया था। और गैस बताइए मेरा ब्लॉग वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ब्लॉग वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गैस मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना।